भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले चीन को दुनिया भर के देशों का विरोध झेलना पड़ रहा है। पड़ोसियों के ऊपर थॉस जमाने की चीन की नीति के खिलाफ आवाज उठने लगी है। भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ के अलावा कई देशों का साथ मिल रहा है। इस बीच अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने चीन को जमकर लताड़ लगाई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की चालबाजी से दुनिया वाकिफ है। अपने पड़ोसी देश के साथ चीन हमेशा गलत रवैया अपनाता रहा है। मेकांग नदी का पानी रोककर उसने थाईलैंड से लेकर वियतनाम तक को परेशान कर दिया है। भारत के साथ भी सीमा पर तनाव पैदा करके एशिया में अशांति पैदा करने की कोशिश करता रहता है। इस बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में भारत के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। भारत के सड़क निर्माण का बहाना बनाकर उसने सीमा पर सैन्य हलचल तेज कर दी, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, अपने लड़ाकू विमानों को सीमा पर तैनात करने लगा। चीन की इस दबाव वाली नीति का विरोध करते हुए अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने ड्रैगन को खरी खोटी सुनाई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विदेशी मामलों की समिति के चेयरमैन एलियट एल इंगेल ने चीन की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा, भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में जारी चीनी आक्रामकता से मैं बहुत चिंतित हूँ। चीन एक बार फिर जाहिर कर रहा है कि वह विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हल करने के बजाय पड़ोसियों पर थॉस जमाना चाहता है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए ताकि हम ऐसी दुनिया में ना रहें जहां ताकतवर जो भी करता हो वही सही हो। मैं चीन को सलाह देता हूं कि वह मानकों का सम्मान करें और भारत के साथ विवाद को हल करने के लिए कूटनीतिक और मौजूदा मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन को चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख की ओर इशारा किया था। यही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की सीमा नीति की कड़ी आलोचना की है। पोम्पियो ने चीन को सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि चीन पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। वे अपने पड़ोसियों के साथ एक साजिश के तहत सालों से इस तरह का विवाद पैदा करता रहा है, लेकिन अब चीन की इस चाल को समझ लिया गया है और उसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के 27 देशों ने भी चीन के खिलाफ भारत का परोक्ष समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए आधार तैयार किया है, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। चीन के हर चालबाजी का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर पुरजोर तैयारी की है और अब चीन को उसकी साजिश में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो चीन की हर चाल को नाकाम करने की तैयारी कर रही मोदी सरकार को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि चीन पहले की तरह इस बार भारत के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा और चीन की वामपंथी सरकार अब इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए परेशान है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।